29-30 जनवरी को हड़ताल का घोषणा किया है। 12 जनवरी को हम लोग स्ट्राइक नोटिस देंगे। धन्यवाद। प्रबंधन जो है सरकार के मजदूर वर्दी नीतियों पर चल रहा है, तानाशाही रवैया अपना रहा है। एक्चुअली केंद्र सरकार पूरी तरह से तानाशाही चला रही है और केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, कल वर्चुअल मीटिंग हुई, पूरी नेशनल के सारे लीडर शामिल हुए। देखिए जनवरी में जो आंदोलन हो रहा है 29 और 30 जनवरी 2024 को, वो दो दिन का हड़ताल है। वेज रिवीजन को लेकर के फिर एक बार बीएसपी कर्मी सड़क की लड़ाई लड़ने पहुंच चुके हैं। संयुक्त ट्रेड यूनियन के बैनर तले सभी यहां पे जितनी यूनियन है वो सब यहां पर सुबह से प्रदर्शन कर रही है। 2 साल का उनका बकाया जो बोनस एरियस है उसको लेकर के यहां पर लगातार प्रदर्शन चलता रहता है और हर महीने एक बार प्रदर्शन करने ये जरूर पहुंचते, पर बीएसपी प्रबंधन के कानों में जूं तक नहीं रहती। लेकिन इस बार अब जो तैयारी अगले आंदोलन की वो काफी बड़े स्तर पर है। जनवरी में जो होने वाला है वो काफी बड़े स्तर पे होगा और वो जो हड़ताल होगी वो शायद काम बंद करने को लेकर भी हो सकती है। लेकिन आज यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं यूनियन लीडर्स से कि इनकी क्या मांग है और आने वाले समय में उनकी क्या प्लानिंग है। भैया जिस तरीके से आप लोग हर महीने यहाँ प्रदर्शन करते हैं, अब आगे कोई बड़ा आंदोलन कब होने जा रहा है? बड़ा आंदोलन 29-30 जनवरी को 2 दिवसीय हड़ताल है पूरे सेल में, सेल के पूरे खदानों में 29-30 जनवरी को हड़ताल का घोषणा किया है। 12 जनवरी को हम लोग स्ट्राइक नोटिस देंगे, तो बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। लगातार 2 सालों से इग्नोर कर रहे हैं आपकी मांगों को, क्यों ऐसा हो रहा है? प्रबंधन जो है सरकार के मजदूर वर्दी नीतियों पर चल रहा है, तानाशाही रवैया अपना रहा है। जब हमारी द्विपक्षीय वार्ता कमेटी है उसकी बराबर मीटिंग करते रहना चाहिए, प्रबंधन नहीं करना चाहती है, वो सरकार की मजदूर वर्दी नीतियों पर फंस गई है। यहाँ पर 39 महीने का एरियस रुका हुआ है, 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं पर निर्णय कुछ नहीं आ पाता है, क्या वजह है? क्या आप लोगों में एकता नहीं है या फिर आप अपनी बात इतनी मजबूती रख नहीं पा रहे हैं? नहीं देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि एकता नहीं है या मजबूती से नहीं लड़ पा रहे हैं। एक्चुअली केंद्र सरकार पूरी तरह से तानाशाही चला रही है और केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। ये सेल ही नहीं, तमाम सेक्टरों में आप देखिए सरकार जो है सार्वजनिक उपक्रमों की इकाइयों को बेचती जा रही है, सार्वजनिक क्षेत्रों को अडानी अंबानी के हवाले करती जा रही है और सुविधाओं में कटौती करती जा रही है। लड़ाई तो हम निरंतर लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है, आपने किसान आंदोलन को देखा होगा, किसान आंदोलन में भी कि वही हुआ, 1 साल से ज़्यादा समय तक किसान लड़ते रहे, उसमें कितनी यातनाएं लोगों को भुगतनी पड़ी और तब जाके लोगों का आगे का स्टेप क्या है? तो ये लड़ाई तो निरंतर जारी है और आगे हम लोग हड़ताल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे, यही तो हमारा जरिया है लड़ने का। आप लोग सभी यूनियन मिलकर के यहाँ पर अपनी आवाज़ मुखर करते हैं, तो आज का जो आंदोलन है वो किस तरीके का था और कितनी देर का आंदोलन? अभी तो ये शुरुआत है, कल वर्चुअल मीटिंग हुई, पूरी नेशनल के सारे लीडर शामिल हुए और ये मान लिया गया कि अब ये प्रबंधन और सरकार ये दोनों मिलकर इस जो एक NGCS फोरम है उसको ही ये समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो अब एक ही चारा बचा है कि हड़ताल की जाए और प्रबंधन को ये दिखाया जाए कि मजदूरों की ताकत क्या है। जनवरी में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं आप लोग, किस तरीके की रूपरेखा होगी और क्या प्रभाव पड़ेगा इसका प्रबंधन पर? देखिए जनवरी में जो आंदोलन हो रहा है 29 और 30 जनवरी 2024 को, वो 2 दिन का हड़ताल है और हड़ताल एक ऐसा आंदोलन होता है कि सारे आंदोलनों को, धरना प्रदर्शन, आपकी रैलियाँ, सारे चीज़ों को कर लेने के बाद में अंतिम हथियार के रूप में हड़ताल करते हैं। हमने इसके पहले 30 जून की हड़ताल किया था, प्रबंधन इतना हठधर्मी था कि 6 दिन बैठक में भी वर्चुअल मीटिंग कॉल करके भी उसने फैसले को अंजाम नहीं पहुंचाया और 15% पर्स में अड़ा रहा। लेकिन जैसे ही 30 जून की हड़ताल हुई उसके 2 महीने के अंदर में उन्होंने पर्स को ले जाके 26.5% में समझौता किया। और हड़ताल एक आर पार की लड़ाई होती है, मजदूर को उसका वेतन सबसे प्यारा होता है, जब मजदूर अपना वेतन कटवा के भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से मूड में है और प्रबंधन जो हरकतें कर रही है और प्रबंधन जो रास्ता अख्तियार कर रही है उसके एकदम खिलाफत में आ गया है। इसीलिए प्रबंधन को इस बात को चेत जाना चाहिए, यदि वो
चेत के इस बीच में कोई भी कार्रवाइयों को नहीं करेगा, वेतन समझौता नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से जनवरी में जो हड़ताल है 2 दिन का होना है वो होके रहेगा। और प्रबंधन को ये हम बता देंगे कि ये प्लांट में अस्पताल से लेके स्कूल से लेके टाउनशिप से लेके प्लांट के अंदर का हर विभाग मजदूर चलाता है। मजदूर काम करता है तो यहाँ पर रोलिंग होती है, मजदूर काम करता है तो अस्पताल चलता है, टाउनशिप चलता है, एजुकेशन चलता है। इसीलिए वो अच्छे से समझ ले कि हमारे खिलाफ में नीतियाँ ना बनाए, हमारे वेतन समझौते के साथ में छेड़छाड़ ना करे। अभी 7 साल कंप्लीट हो गया है, समझ के चलिए, और 12-14 दिन में 7 साल कंप्लीट हो जाएगा। 7 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी वेतन समझौतों को पूर्ण नहीं किया है। 9 वेतन समझौताओं में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। घाटे के साल का पैसा नहीं दूंगा बोलता, 39 महीने का एरियर्स रोक के रख दिया है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में डीए बेसिक को देना जरूरी रहता है, लेकिन उन्होंने 39 महीने का एरियर्स रोक दिया। रात्रिपाली भत्ता को दे नहीं रहा है। किस जमाने में रात्रिपाली भत्ता 90 रुपये चालू हुआ था और आज भी 90 रुपये चला रहा है, 90 रुपये का वो मायने नहीं रह गया। तो इस तरीके की जो हठधर्मिता कर रहा है, इसके खिलाफ में ये आंदोलन है और ये आर पार की लड़ाई है। बिल्कुल, अब आर पार की लड़ाई है। जिस तरीके से एरियाज़ को लेकर के यहाँ पर लामबंद हुए हैं, वेतन समझौते को लेकर अपनी बात रखी जा रही है, और कहीं ना कहीं जो बड़ी हड़ताल का जो बात चल रही है यहाँ पर कि जनवरी में जो हड़ताल होगी 2 दिन की, कहीं ना कहीं वो प्रबंधन पर जरूर दबाव डालेगी कि इनकी मांगे जो हैं वो पूरी होगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।